मौजिज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बरोज़े क़यामत शहीद के सर पर इज़्ज़त का ताज रखा जाएगा, जिसका एक याकूत दुनिया और इसकी तमाम चीज़ों से बेहतर होगा। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ना सिर्फ इसराइल बल्कि इंडिया, अमेरिका समेत उन तमाम जालम शिद्दत पसंद ताकतों के रोंगटे खड़े कर दिए। मासूम फलस्तीनी, कश्मीरी, चिचनिया, इराकी और शामी मुसलमान बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों पर दर्दनाक जुल्म करने वाली ये ताकतें शायद ये भूल चुकी हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर जात अल्लाह ताला की है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। ये वाकया फलस्तीन के एक शहर में पेश आया जहाँ एक लड़की 3 साल पहले शहीद हो गई थी। शहीद होने के 3 साल बाद लड़की के बाप को अपनी बेटी ख्वाब में नजर आई और ये ख्वाब का सिलसिला मुसलसल कई दिन तक इसी तरह आता रहा। नाज़रीन इकराम, ख्वाब कुछ यूं था कि मरहूम लड़की अपने वालिद को ख्वाब में ये शिकायत करती कि तदफीन वाली जगह से मेरी मैयत निकाल कर किसी दूसरी जगह दफन की जाए। वालिद को फिक्र लाख हुई, इन्होंने उलमा इकराम से मशवरा किया। इजाजत के बाद इसकी कब्र खोदी गई। नाज़रीन इकराम, ये जो वीडियो आप मुलायजा फरमा रहे हैं, असल में ये उस लड़की की कब्र को खोलकर मैयत को बाहर निकाला जा रहा है ताकि इसकी जगह तब्दील की जाए। लेकिन जब इस लड़की की मैयत को कब्र से बाहर निकाला गया तो ऐसे ईमान अफरोज वाकयात एक मुसलमान को सच्चा मुस्लिम होने पर फख्र महसूस होता है और ईमानी जज्बा बढ़ जाता है। यकीनन जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है के शुहदा इनकी कब्रों में जिंदा हैं और इन्होंने शुहदा को रिज़्क अता किया। नाज़रीन किराम, ये शहीद लड़की इतनी ताज़ा नज़र आती है जैसे कुछ लम्हात पहले इसकी तदफीन की गई हो। ऐसे मौजात वाक़ियात से हमारे ईमान को ताज़गी मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को शुहदा वाली मौत नसीब फरमाए और हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलज़रार टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें।